हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर CTET के सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान का अगला भाग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्लास सिक्स के इतिहास का चौथा लेसन, आरंभिक नगर। चौथा लेसन का नाम है आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा जो है वह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नगर की विशेषता, हड़प्पा नगर की विशेषता, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। प्रायः नगर का जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा होता था लेकिन यह ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, जो ऊंचाई वाला भाग था उसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये जो दोनों पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा था, इन दोनों हिस्सों की जो चार दीवारी होती थी वह पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। जो बहुत बड़ा तालाब बना था उसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब यही पूछ सकता है कि पानी का रिसाव रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे, तो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड के जो प्रमाण मिले हैं वह कालीबंगा, लोथल जैसे नगरों में मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते हैं। जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं वहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह, मतलब अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह बनाए गए थे। भवन, नाले और सड़कें, भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर एक या दो मंजिलों के होते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो ये जो एक या दो मंजिलों के घर होते थे उसमें ज़्यादातर घरों में स्नानागार होता था या फिर अलग कुएं मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगरों में जो नाले बने थे वह ढके हुए होते थे। घर की नाली को सड़क की नाली से जोड़ दिया जाता है था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। जैसे आजकल हम लोग भी, हमारे यहाँ भी घर के बाहर पतली नाली होती है फिर सड़क के चौड़ी नाली से जोड़ दिया जाता है, इसी तरह पहले हड़प्पा के समय में भी घर के नाली को सड़क की नाली से जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों से मिला ली जाती थी। घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध, मतलब एक योजना के प्लान के साथ किया जाता था। घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। नगर में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। नगर में जो लिपिक होते थे वही मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखे होंगे लेकिन वह बच नहीं पाया है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, मिट्टी के कई खिलौने मिले हैं। हड़प्पा के नगरों में जो चीज़ें मिली हैं, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई थी। हड़प्पा के नगरों में जो चीज़ें मिली हैं वह पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे।
तांबे और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं में मनके के बाट और फलक हैं। यहाँ पर हड़प्पा में जो वस्तुएं मिली हैं आकर्षक, उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है मनके के बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मुहरें बनाते थे वह पत्थर की बनी होती थी। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो मुहरें मिली हैं वह आयताकार होती थी और इन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वह हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बर्तन बनाते थे वह लाल मिट्टी के होते थे और उन पर काले रंग से डिजाइन करते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं वह चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी हुई तकलियां मिली हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि वह सूत की कताई करते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। जो भी वस्तुएं मिली हैं वह सामान्य लोगों ने नहीं किया होगा, उनका निर्माण विशेषज्ञों ने ही किया होगा। फेयंस से मनके, चूड़ियां और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कपास को कच्चा माल कहते थे। जो कपास था उन्हें कच्चा माल कहा जाता था, जिसमें बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा में कुछ चीज़ें तो वहीं से मिली हैं, लेकिन जो तांबा, लोहा, सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य पत्थर को वो दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से लोग करते थे और सोना कर्नाटक से मंगाते थे और टिन अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो बहुमूल्य पत्थर होते थे उनको वह गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा के लोग गाय, बैल, भैंस और बकरियां पालते थे। इन सभी जानवरों को पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में लोथल बंदरगाह जो है वह गुजरात में है। यहाँ पर मिला है उस समय का लोथल बंदरगाह। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। लोथल बंदरगाह पर एक इमारत मिला है जहाँ पर यह संभावना जताई जाती है कि वहाँ पे मनके बनाने का काम होता था। संभवतः अंत जंगलों के विनाश से संभव हुआ है। सभ्यता का जो अंत हुआ है वह संभवतः जंगलों के विनाश से हुआ है। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ और हड़प्पा के नगर के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।